पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, वीआईपी पार्टी के जो कर्ता धरता हैं, संरक्षक हैं, सुप्रीमो भी कह सकते हैं, मुकेश सहनी, उनकी हम बात करेंगे। और मुकेश सहनी भी एक अबूझ पहेली बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। मुकेश सहनी किस तरफ का रुख करेंगे, मुकेश सहनी भी पाला बदलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वीआईपी पार्टी के जो कर्ता धरता हैं, संरक्षक हैं, सुप्रीमो भी कह सकते हैं, मुकेश सहनी, उनकी हम बात करेंगे। और मुकेश सहनी भी एक अबूझ पहेली बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। मुकेश सहनी किस तरफ का रुख करेंगे, मुकेश सहनी भी पाला बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल पिछले कई दिनों से है और इसीलिए हम कई बार इस पर बात भी कर चुके हैं। मुकेश सहनी ने खुद ही संकेत दिए हैं कि वो कोई नया खेल कर सकते हैं, नया ठिकाना वो तलाश सकते हैं और नए ठिकाने की तरफ वो रुख कर सकते हैं। इसके संकेत मुकेश सहनी ने एक इंटरव्यू में दिए थे। उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर हमारी हैसियत के हिसाब से हमको सीटें नहीं मिलेगी, कुछ नुकसान तो हम सह लेंगे लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं सह पाएंगे। अगर हमारी हैसियत के हिसाब से हमें सीटें नहीं मिलेगी तो नया रास्ता बनेगा, नया रास्ता बन रहा है, इस तरह की बात मुकेश सहनी ने कही थी। तीसरे मोर्चे की तरफ उन्होंने इशारा किया था। बाद में इसको और क्लियर किया उनकी पार्टी के नेता ने और ये कहा, उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं देवज्योति, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी के साथ हम कैसे जाएंगे, भाजपा के साथ कैसे जाएंगे, भाजपा के साथ बचा क्या है, भाजपा तो खुद ही नायडू और नीतीश की बैसाखी पर है, तो नया रास्ता क्या होगा, क्या प्रशांत किशोर का रुख करेंगे, जनसुराज का रुख करेंगे। तो इस ये कयास भी अब खारिज होता हुआ नजर आ रहा है और अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में वाकई तीसरे मोर्चे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशी जा रही है, कोई तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद हो रही है। और ये सवाल इसलिए है, ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि AIMIM, BSP और VIP पार्टी की तिकड़ी बिहार में कोई तीसरा मोर्चा बनाने जा रही है। इसको लेकर खबर आ रही है, अंदर खाने की खबर यह है कि AIMIM के किसी बड़े नेता से मुकेश सहनी की मुलाकात हुई है, या AIMIM के किसी बड़े नेता ने मुकेश सहनी से मुलाकात की है, BSP से भी मुकेश सहनी की शायद बातचीत हुई है, या BSP की मुकेश सहनी से शायद बातचीत हुई है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। तो इसलिए चर्चा तेज है कि क्या बिहार में कोई तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और वाकई तेजस्वी न इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, न NDA के साथ रहेंगे, न मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ रहेंगे, न इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, न NDA के साथ रहेंगे, और वो तीसरे मोर्चे का रुख करेंगे, या तीसरे बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने में मुकेश सहनी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और बिहार में तीसरे मोर्चे की अगुवाई करेंगे मुकेश सहनी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि AIMIM और BSP मुकेश सहनी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने जा रही है। इसके बहुत मजबूत संकेत मिल रहे हैं, अंदर खाने से बहुत मजबूत जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि मुकेश सहनी की तरफ से फिर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, BSP के साथ वो संपर्क में हैं, या AIMIM के बड़े नेता से अगर मुलाकात हुई है तो देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश मुकेश सहनी कर रहे हैं, या मुकेश सहनी का साथ लेकर AIMIM और BSP तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है, ये बात नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।